जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र होता है, आंखों के सामने खौफ और आतंक का मंजर छाने लगता है। आतंकवाद के कारण पिछले 3 दशकों से लुलुहान कश्मीर घाटी को उस वक्त थोड़ा सुकून का एहसास हुआ जब आतंक प्रभावित श्रीनगर में इंजीनियर और प्रोफेसर बिलाल अहमद ने अपने दम पर पहली सोलर कार बनाई। जी हाँ, बिलाल अहमद के जज्बे और जुनून ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस पर कश्मीर घाटी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व हो रहा है। तो आखिर कैसे बिलाल ने ये कारनामा करके दिखाया, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। बिलाल के जुनून और जज्बे को देखकर आप भी दंग रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस भाई का भी नाम जान लो। हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ, वेलकम टू माय चैनल सीड का चैनल। आपको इस चैनल पर इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, तो चलो कुछ सीखते हैं। इंजीनियर बिलाल अहमद ने खुद के दम पर घाटी की पहली सोलर कार बनाई। बिलाल के इस कारनामे को सराहते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, ऐसा लगता है कि एक दिन कार उड़ भी सकती है। आपको बता दूं कि बिलाल पहले विकलांगों के लिए कार बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। मैं इंजीनियर हूं और मैं काई होप में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो था ये 2009 से मैंने स्टार्ट किया। 2009 में मैंने जब ये स्टार्ट किया था, इस वक्त मैंने सोचा था पहले मैं गाड़ी बनाऊंगा, कार फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो फिर इसके बाद कुछ फाइनेंस कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैंने स्टार्ट किया सोलर कार, जो 2009 से अभी तक मैंने अब वो कम्प्लीट की है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा कार के विचार ने मुझे उत्तेजित किया, क्योंकि यह मुफ्त ऊर्जा है और पेट्रोल की कीमतें आने वाले 10 सालों में बहुत बढ़ने वाली है। बता दूं कि बिलाल ने 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद घाटी की पहली सोलर कार बनाई। श्रीनगर के गणित के टीचर बिलाल का यह करिश्मा केवल कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। बिलाल बताते हैं कि साल 2009 में उन्होंने सोलर कार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और दशकों की मेहनत के बाद जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बहुत खुशी हो रही है। बता दूं कि बिलाल की यह कार पूरी तरह से बिजली पर चलती है। इसके लिए उन्होंने खास किस्म के सोलर पैनलों का उपयोग किया है, जिससे कम से कम सौर ऊर्जा में अधिकतम बिजली पैदा करता है। इसकी वजह से उनकी कार फर्राटे से दौड़ती है। बता दूं कि बिलाल अहमद की यह कार पूरी तरह से स्वचालित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बिलाल अहमद के इस बेहतरीन कारनामे के लिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे ऐसे ही बेहतरीन और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।